हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शामली निकाय चुनाव की मतगणना के लिए जिला कोषाधिकारी कार्यालय के सब 7 कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इस वजह से चुनाव ड्यूटी और लगे कर्मियों को मानदेय वितरण और कठिनाई हो सकती है। दरअसल नगर निकाय चुनाव की मतगणना 1 दिसंबर को होगी। मतगणना के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए शुक्रवार को ही प्रथम रेंडमाइजेशन हो गया है, जिसके तहत मतगणना कर्मियों की ऑनलाइन ड्यूटी लगाई गई। जिले और 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों की मतगणना होनी है, जिस और नगर पालिका शामली, नगर पंचायत बनत, थाना भवन पानी आलाबाद और एलम की मतगणना, कृषि मंडी शामली तथा नगर पालिका कैराना और कांधला की मतगणना कैराना के पब्लिक इंटर कॉलेज और नगर पंचायत उन झिंझाना तथा गढ़ी पुख्ता की मतगणना झिंझाना स्थित RSS इंटर कॉलेज और होगी। मतगणना और नैन वन टेबल लगाई जानी है। एक टेबल पर 4 मतगणना कर्मी और 1 सुपरवाइजर की तैनाती रहेगी। उन सबके लिए बैंक कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। साथ ही जिला कोषाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की ड्यूटी भी मतगणना और लगाई गई है। अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह ने बताया कि मतगणना कर्मियों की ड्यूटी ऑनलाइन लगी है, यदि कोई दिक्कत है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।